हेलो एवरीवन। तो हम लेकर आए हैं वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन पाइथन। आओ मिलकर सीखें और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं हम। कल की वीडियो लेक्चर में हमने देखा था एडिशन ऑफ टू नंबर्स। आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लो डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंशिएशन के प्रोग्राम को बनाएंगे, उसके कोड्स को राइट करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर तो फ्लोट में ही लेके चलते हैं। तो एक्स हमने इनपुट ले लिया फ्लोट फंक्शन यूज करके, इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसे ही हमने वाई के लिए कर दिया, वाई फ्लोट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। और अब हम सम की जगह क्या करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो हमने लिख दिया सब इक्वल टू एक्स माइनस वाई। हमें ये ध्यान रखना है जो पैरेंथेसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके क्लोज भी होना चाहिए उतना ही। फिर हमने लिखा सब्ट्रैक्शन एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। फिर प्रिंट कराया हमने द सब्ट्रैक्शन ऑफ वाई फ्रॉम एक्स। हम वाई को एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने रन किया सेल, तो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स 123.5। एंटर द वैल्यू ऑफ वाई 120.5। द सब्ट्रैक्शन ऑफ 120.5 फ्रॉम 123.5 इज 3। अब इसको हम रिवर्स में करके देख सकते हैं, बिग नंबर में से हम स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा। रन सेल, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई इज 20। द सब्ट्रैक्शन ऑफ 20 फ्रॉम 10 इज -10। तो साइन के साथ आपको रिटर्न हो जाती है वैल्यू। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए बना के देखते हैं प्रोग्राम को। तो सब्ट्रैक्शन की जगह हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। माइनस साइन को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज करते हैं। हमने वेरिएबल असाइन कर दिया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई जो वेरिएबल होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है। प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई। हमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का ध्यान रखना होता है कि वेरिएबल के बाद दो कॉमे यूज होते हैं, और जो हम स्ट्रिंग की तरह यूज कर रहे हो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बनाना होता है। चलिए तो प्रिंट कराते हैं इसे, रन सेल, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई इज 50। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 एंड 50 इज 500। मल्टीप्लीकेशन के बाद हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, तो हमने वेरिएबल असाइन कर दिया डिवीजन। डिवीजन ऑफ डिवीजन के लिए हम बैक स्लैश का सिंबल यूज करते हैं। जो डिवीजन ऑपरेटर है बैक स्लैश, ये आपको विद डेसिमल प्लेसेस रिटर्न करता है वैल्यू।
डिवीजन ऑफ एक्स बाय वाई इज डिवीजन रन सेल। सिंपल सा डिवीजन ले लेते हैं, 4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। यह हमने तो 4 को 2 से डिवाइड किया, रिटर्न में हमें 2 मिल गया, 2.00। अब हम इसको डेसिमल प्लेस पे करके देख लेते हैं, तो हम क्या करेंगे 10 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स 10 एंटर द वैल्यू ऑफ वाई 3, तो 3.33। हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्यों मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटाइल 0.2f यूज किया है। अगर हम 0.3 कर देंगे तो रिटर्न में हमें 0.3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर मिलेगा, तो 10 डिवाइड बाई 3 3.333। अगर हमें डिवीजन के टाइम सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, डेसिमल में नहीं चाहिए, तो तब हमें फ्लो डिवीजन यूज करना होता है, और फ्लो डिवीजन के लिए क्या करते हैं हम 2 बार ब्लैक स्लैश यूज करते हैं। डिवीजन के बाद हम फ्लो डिवीजन का प्रोग्राम बनाते हैं। फ्लो डिवीजन क्या होता है, जो हमें क्वोशेंट होता है डिवीजन के टाइम, हमें डेसिमल प्लेस पे वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्वोशेंट चाहिए, उसके लिए हम फ्लो डिवीजन यूज करते हैं, और सिंगल ब्लैक स्लैश की जगह डबल ब्लैक स्लैश यूज करते हैं। तो प्रोग्राम वही रहेगा, अब हम क्या चाह रहे हैं, क्वोशेंट चाह रहे हैं, क्वोशेंट फ्लो डिवीजन। और वेरिएबल में ध्यान रखना होता है कि वेरिएबल का जो भी नाम हम असाइन कर रहे हैं वो केस सेंसिटिव होता है। रन सेल, तो हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो क्वोशेंट होता है 2, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर भी 2 होता है, तो थोड़े हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, 14 को 5 से डिवाइड करते हैं, 14 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे जो क्वोशेंट होता है वो 2 होता है, जो रिमाइंडर होता है 4 होता है, तो रिमाइंडर के लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं। तो व्हाट इज मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर में हम परसेंटाइल की जगह डबल ब्लैक स्लैश की जगह परसेंटाइल यूज करते हैं, तो रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर्स और परसेंटाइल क्या करती है, जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल बचेगा डिवीजन के दौरान, हमें वो आंसर मिल जाएगा। तो इसे अगर हम 14 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो भागफल यानी कि क्वेशेंट है 2 और रिमाइंडर है 4, तो अब वो करके देख लेते हैं, रिमाइंडर ऑफ एक्स बाय बाय इज इक्वल टू, तो रन सेल करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 14 डिवाइड बाय 5, तो रिमाइंडर इज 4। तो अगर हम सिंपल ब्लैक स्लैश यूज कर रहे हैं तो डिवीजन होगा, तो हमें डेसिमल प्लेसेस तक आंसर मिलेगा। फ्लो डिवीजन यूज कर रहे हैं यानी डबल ब्लैक स्लैश, तो क्वोशेंट जो होता है भागफल हमें वो मिलेगा, और अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं परसेंटाइल, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा शेषफल। अब हम एक्सपोनेंशिएशन का प्रोग्राम बनाते हैं, तो एक्सपोनेंशिएशन और पावर, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, पावर का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, तो x टू पावर y, तो हम उसके लिए डबल स्टार का यूज करते हैं, तो सिंगल स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन, डबल स्टार फॉर पावर।
सेशन ऑफ एक्स बाय नहीं आएगा, टू एक्स टू पावर वाई इज exp रन सेट टू टू पावर फोर इज 16। फिर से इसको एक रन एक बार और रन करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ। तो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 टू पावर 3, दैट इज 1000। तो हम पावर एक्सपोनेंशिएशन के लिए इस फंक्शन का यूज करते हैं।